स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में, या फिर हम बात करें फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में, ऐसी कोई टीचिंग है ही नहीं। हम सोचते ना टीचिंग टीचिंग टीचिंग, देर इज नो टीचिंग एट ऑल। जिसको हम टीचिंग समझ रहे हैं, और बड़ी भरी पड़ी है टीचिंग। टीचिंग क्या, शब्द, कहानियां, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, बट मोमेंट्री है, वो आएगा और चला जाएगा, या फिर आपको एक दो घंटे तक मोटिवेट रखेगा, उसके बाद खत्म, दी एंड। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो भी टीचिंग्स हैं वो सारी की सारी टीचिंग्स ओल्ड हैं, सारी की सारी टीचिंग्स, सारी फिलॉसफी जो है ओल्ड, एंड द लाइफ इज ऑलवेज द न्यू। लाइफ अपने आप को, लाइफ अपनी थ्योरी को चेंज कर रही है, हर मोमेंट वो बदल रही है। एयर का प्रेशर बार बार बदल रहा है, आपके अंदर के थॉट्स बदल रहे हैं, इतनी ही देर में कई लोगों की डेथ हो जा रही है, इतनी ही देर में कई लोगों का जन्म हो जा रहा है, इतनी ही देर में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, और हमने बस कुछ ऑब्जर्व किया और कोई किताब लिख दी, कोई बात कह दी, बस हमने सोचा कि हमने मास्टरी कर ली। तो मैंने बताया कि एक्चुअल टीचिंग पता है क्या है, रियल टीचिंग पता है क्या है, साइलेंस इज द रियल टीचिंग। मतलब कि आप एस्केप नहीं कर रहे हो अपने फियर से, अपने एंगर से, अपनी एंजाइटी से, अपने क्वेश्चन से, आप अपोजिट जनरेट नहीं कर रहे हो कि मेरे को एंगर आ रहा है, मैं नॉन एंग्री हो जाऊं। आप समझ रहे हो उस चीज को, कि आप फियर में हो, मैं मुझे डर नहीं लगना चाहिए, नहीं, आप उस फैक्ट के साथ रह रहे हो जो बिल्कुल आपके पास है, एग्जैक्टली एज इट इज फॉर्म में। तो मैंने बताया, जब आप फैक्ट के साथ रहते हो एज इट इज फॉर्म में, जैसा फैक्ट चल रहा है, जो भी चल रहा है, यू डोंट नीड टीचिंग। भाई आप, आपके सामने अगर शेर खड़ा है तो आपको टीचिंग चाहिए क्या उसके लिए, उससे कि आप उसके पास मत जाओ। आप, एक रास्ता है, उस रास्ते पर शेर है, ठीक है, और आपको दिख गया दूर से कि शेर है वहां पर, तो आपको वहां जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसके लिए आपको टीचिंग चाहिए कोई, नहीं। और ये जो टीचिंग जितनी भी है ना, ये आपको कंफ्यूज करती है, इंक्लूडिंग दिस वन, दिस पर्सन, दिस ऋषि राठौर इज टेलिंग, वट एवर इज ऑल्सो एन इल्यूजन। आपको इसमें भी नहीं फंसना है, जस्ट लिसन एंड मूव ऑन, लेट गो। सो आई एम टेलिंग यू कि ऑल द फिलोसफीज, ऑल द टेक्निक्स, ऑल द मेथड, सिस्टम आर ओल्ड। ये आपको कहीं नहीं ले जा सकते, ये बस आपको उस ओल्ड पैटर्न में ही घुमाते जाएंगे, आपके थॉट्स को सर्कुलेट करते जाएंगे, और आप उसी मैट्रिक्स में फंसे रहोगे। सो इसीलिए मैंने बताया कि नथिंग, देर इज नथिंग टू टू से, टू लर्न, टू टीच, देर इज नो टीचर, नो स्टूडेंट, नो टीचिंग, दिस इज द रियल थिंग। देन व्हाट विल यू डू, आप एक्चुअल में आप फैक्ट के साथ रहोगे, जो भी आपके साथ घट रहा है उस चीज को बहुत ध्यान से देखोगे। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, ओवरअबंडेंट बाय इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे अंदर जो भी चीज आ रही है ना, हम उस पर रिएक्ट कर दे रहे हैं, और भरा हुआ है हमारे अंदर, रिएक्शन भरे हुए हैं, दिस इज वॉट हैपनिंग एग्जैक्टली। सो एट लास्ट आई एम टेलिंग यू, जो लोग एक्चुअल में सीरियस हैं और इंटरेस्टेड हैं, जो लोग लाइफ को समझने में, लाइफ को जानने में, और मेडिटेशन को जानना चाहते हैं, फैक्चुअली एक बार इंटरेक्ट करना चाहते हैं अपने आप से, अपने अंदर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये एक, मैंने बताया कि एक टीचिंग नहीं है ये, यहाँ पर ये क्रैश कोर्स कोई फिलॉसफी नहीं है, ये बस एक मेरे अंदर से फ्रीडम से कुछ आया और वो मैं आपको बता रहा हूँ बस, और उसको सुनते हुए निकल जाओ, ये है इस बारे में। तो इस क्रैश कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं, 24 टॉपिक्स हैं, आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और साथ साथ मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस भी दूंगा। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।